हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल स्टूडेंट्स एस वी ऑल नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द सेकेंड डिविजन ऑफ किंगडम प्लान्टी बाई द नेम ब्रायो फाइट्स ओके सो वॉट ब्रायो फाइट्स ठीक है ओके ब्रायो फाइटा के जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े आज हम जो यानी डिवीजन किंगडम प्लांटी के हम पटनी जा रहे हैं है, थर्ड जो डिवीजन है दैट इज बाय द नेम ऑफ टेरिडोफाइट्स टेरिडो फाइटा टेरिडो फाइटा क्या है बेटा टेरिडो फाइटा तो याद रखना टेरिडो फाइटा टेरी ये जो वर्ड जो है ये जो वर्ड जो है इसमें दो वर्ड है देखो एक तो टेरिडो है टेरिडो और दूसरा आपके पास क्या है फाइटा करके दो वर्ड है ग्रीक में याद रखना ये दोनों ग्रीक टर्म है ग्रीक में टेरॉन टेरी जो है वो टेरॉन से निकला है ग्रीक वर्ड से और फाइटा जो है वो फाइटॉन से निकला है किस से निकला है फाइटॉन से पी एच वाई टी ओ एन से निकला है और याद रखना ग्रीक में टेरॉन का मतलब होता है फेदर लाइक फेदर आप जानते हैं ना जो छोटे पर होते हैं ठीक है ग्रीक में याद रखना टेरॉन का मतलब होता है फेदर लाइक फेदर जैसा एंट और ग्रीक में फाइटोन का मतलब सबको पता है क्या होता है प्लांट अब इस ग्रुप के अंदर इस ग्रुप के अंदर या इस डिवीजन के अंदर ऐसे प्लांट्स आपको दिखेंगे जिनका याद रखना जिनका लीफ जो है वो किसकी तरह होगा फेदर लाइक होगा याद रखना जिनका लीफ क्या होगा बेटा फेदर लाइक होगा इसीलिए इस पूरे ग्रुप को कहते हैं टेरिडोफाइटा मीन्स प्लांट्स विच हैव लीव्स लाइक फैदर यानी फेदर की तरह जिनमें लीव्स होगा ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स को इसी यानी डिवीजन के अंदर रखा गया जिसका नाम टेरिडोफाइटा रखा है अब हम अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं करेंगे तो याद रखना सबसे पहले कैरेक्टर की अगर बात करेंगे टेरिडोफाइटा जो डिवीजन है उसके अंदर जितने भी प्लांट आते हैं अब क्योंकि ब्रायोफाइटा तक हमें पता है ना हम लोगों को सही से रूट पता चलता था उनके अंदर रूट डिफ्रेंशिएट नहीं था सही से उनके अंदर स्टेम नहीं था ना सही से उनके अंदर लीव्स था याद रखना टेरिडोफाइटा एक ऐसे ग्रुप है जहाँ से अब प्लांट्स के अंदर रूट जो है वो आपको दिखने लगेगा याद रखना स्टेम जो है उनके अंदर आपको दिखने लगेगा और लीव्स जो है ये तीनों जो चीज़ें होगा वो टेरिडोफाइटा के अंदर याद रखना प्रेजेंट होगा वो क्या होगा प्रेजेंट ब्रायोफाइटा तक हमको पता है न थेरोफाइटा में आपको रूट स्टेम लीफ दिखता था ना ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम लीव्स हमें दिखता नहीं था वहां लीफ के जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स हमें मिलता था जैसे कि ब्रायोफाइटा में लीफ लाइक -like, यानी जैसे कि फ्यूनेरिया में मैंने आपको बताया था लीफ लाइक अपेंडेजिस -like या लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर्स हमें दिखता था लेकिन टेरिडोफाइटा में लीफ लाइक -like नहीं बल्कि एग्जैक्ट लीफ ही आपको मिलेगा स्टेम लाइक नहीं एग्जैक्ट स्टेम आपको मिलेगा रूट लाइक like नहीं एग्जैक्ट रूट आपको मिलेगा ये पहला कैरेक्टर हो गया ओके कैरेक्टर नंबर सेकंड की अगर आप बात करोगे बेटा तो टेरिडोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे वो मोस्टली फाउंड इन फाउंड इन शेड्स या शेडी प्लेसेस या आप इनको कहते हैं डैम्प प्लेसेस जहां पे बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी या लाइट जो है वो नहीं पड़ती होगी सूरज की लाइट सन लाइट नहीं पड़ती होगी तो शेड्स के अंदर ज़्यादातर आपको ये दिख जाएगा याद रखना ये हो गया कैरेक्टर नंबर सेकंड कैरेक्टर नंबर थर्ड की अगर आप बात करोगे टेरिडोफाइटा का तो याद रखना जितने भी टेरिडोफाइटा के अंदर प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे याद रखना उनके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज़ जो कि वाटर और फूड प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऊपर नीचे नीचे से ऊपर यानी वाटर हो मिनरल्स हो फूड हो हार्मोन्स हो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है वो करने वाले कुछ टिश्यूज़ या ट्यूब लाइक या चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज़ या हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स जिस तरीके से हमारे बॉडी में ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसी की तरह वैस्कुलर टिश्यूज़ आपके प्लान के अंदर होते हैं और दो तरीके के वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं हम सबको पता है एक को कहते हैं जाइलम दूसरे को कहते हैं फ्लोएम ये दो तरीके का जो टिश्यूज़ होगा वैस्कुलर टिश्यूज़ ब्रायोफाइटा तक हम लोगों को वैस्कुलर टिश्यूज़ मिलता नहीं था लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यू जाइलम भी मिलेगा वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम भी आपको मिलेगा याद रखना आप लोगों ने टिश्यू वाला पोर्शन पढ़ा है ठीक है प्लांट टिश्यू वाला पोर्शन, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा जाइलम जो है वो प्लांट में क्या करता है रूट से यानी सॉइल में से जो रूट प्लांट का है वो इसी जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ये दोनों जो है सॉइल में से रूट के जरिए प्लांट के बिल्कुल टॉप तक या टिप तक पहुंचाने का जो काम करता है वो ये ज़ाइलम करता है कौन करता है बेटा ज़ाइलम करता है ठीक है याद रखना है नंबर सेकंड हमने एक बात कहा फ्लोएम हम सबको पता है प्लांट के अंदर क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है लीफ के अंदर किसके अंदर सॉरी लीफ के अंदर आपका क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है इस लीफ के अंदर जो आपका फूड बनता है इसके अंदर जो फूड बनता है सी सिक्स एच ओ सिक्स के फॉर्म में यानी ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड लीफ के अंदर बनता है वो फूड जो है क्योंकि दूसरे पार्ट तो ग्रीन है नहीं उनके अंदर नहीं बनेगा तो उस फूड को जो मेनली लीफ के अंदर बनता है उस फूड को डिफरेंट प्लांट के क्योंकि प्लांट के उन जगहों पे भी पहुंचाना पड़ेगा जहां पे ये फूड बनता नहीं है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता नहीं है तो उन जगहों तक पहुंचाने जैसे कि रूट में लीफ से रूट तक पहुंचाने के लिए या दूसरे पार्ट तक पहुँचाने के लिए फूड को फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू प्रजेंट होता है उस टिश्यू को हम कहते हैं क्या बेटा फ्लोएम कहते हैं क्या कहते हैं फ्लोएम पी एच एल ओ एम ये हो गया हमारा फ्लोएम ये याद रखना तो चाहे हो फ्लोएम हो हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट मिलेगा उनके अंदर प्रेजेंट होगा मौजूद होगा नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे तो टेरिडोफाइट्स के अंदर फ्लार्स एंड सीड्स जो है ना उनमें आपको फूल मिलेंगे ना उनके अंदर आपको सीड्स मिलेंगे तो ये दोनों चीज़ें उनके अंदर क्या होगा एबसेंट होगा दे विल बी लेकिंग फ्लावर्स एंड सीड्स यानी ना उनके अंदर आपका फूल होता है ना वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है अब अगर न सीट आपका होता है ना फ्लावर होता है तो नया प्लांट कैसे किस चीज़ से बनाता है जिस स्ट्रक्चर से यानी आपका टेरिडोफाइट्स न्यू प्लांट जो बनाता है क्योंकि अगर सीट होता तो सीट से बनाता लेकिन इनके अंदर तो सीट होता नहीं है तो अगर नया प्लांट जो बनाएगा वो न्यू प्लांट किस स्ट्रक्चर से या किस चीज़ से बनाता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोर्स स्पोर्स आर नथिंग बट अ मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर आ स्ट्रक्चर ठीक है तो ये स्पोर्स से नया प्लांट बनाएगा ये याद रखना है ओके तो दीज आर सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा बेटा अभी तक हमने पढ़ा थैलोफाइटा थैलोफाइट्स यानी जिनके अंदर थैलोइट यानी बॉडी स्ट्रक्चर होता है दूसरा हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स क्या कहते हैं ब्रायोफाइट्स और आज हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स टेरिडो फाइट्स ये जो तीन ग्रुप ऑफ प्लांट्स है चाहे आपका थैलोफाइट हो चाहे आपका ब्रायोफाइट हो चाहे आपका टेरिडोफाइट हो ये जो तीन ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से वो आपको मिलेगा नहीं हिडन मिलेगा बाहर से आपको रिप्रोडक्ट जैसे कि हमारे पास जो प्लांट्स प्रेजेंट है उन प्लांट्स के अंदर आपको बाहर से जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लावर कहते हैं वो आपको बाहर से दिख जाता है लेकिन थैलोफाइड्स ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइड्स तीनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो आपको हिडन होगा यानी बाहर से दिखेगा नहीं अंदर छुपा हुआ होगा Hidden आपको मिलेगा दैट इज वाई याद रखना थैलो चाहे आपका थैलो हो चाहे आपका ब्रायोफाइटा हो चाहे आपका टेरेडो हो इन तीनों को क्या कहते हैं इन तीनों को एक बहुत बड़ा सा जो आपका आ, क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर रखते हैं एक बहुत बड़े से ग्रुप के अंदर रखते हैं जिसको हम कहते हैं क्या याद रखना क्रिप्टो सॉरी क्रिप्टा नहीं है क्रिप्टो जी ए एम ए क्रिप्टो गैमी क्रिप्ट का मतलब होता है क्या क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन हिडिन छुपा हुआ ठीक है एंड गैमी का मतलब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप कह है सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब थैलोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स में आसानी से बाहर से आपको उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा नहीं कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा कुछ एग्ज़ाम्पल्स किसका टेरिडोफाइट्स के टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ लिख रहा हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल एक एक है मार्सीलिया एम ए आर एस आई एल ई -E ए ये एक एग्जाम्पल एक एक हमारे पास हो गया दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है सिलाजिनेला बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे मैं सिर्फ दो तीन का आपको लिख रहा हूँ सिलाजिनेला ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल हैं दैट इज़ ड्राई ऑफ टेरेस डी आर वाई ओ पी टी ई आर आई एस ड्राई ऑप टेरेस कुछ और एग्ज़ैम्पल अगर मैं बताऊं तो हमारे पास है इक्विस्टम जब स्कूल खुलेगा ना मैं आपको ये सारे प्लांट्स ख़ुद मैं अपने हाथों से दिखाऊंगा इक्विस्टम हमारे यहाँ पे बहुत प्रेजेंट होता है ठीक है इक्विस्टम नेक्स्ट हमारे पास है एजोला ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स के नाम हैं जिनके अंदर रूट स्टेम लीव्स अच्छे से प्रेजेंट होगा जिनके अंदर जो ज़्यादातर शेड्स में आपको मिलेंगे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ आपको प्रेजेंट होगा जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होंगे सीड्स नहीं होंगे बल्कि स्पोर्स होंगे और इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो हिडन होगा अंदर आपको छुपा हुआ मिलेगा एक चीज़ यहाँ पर याद रखना ये जो मैंने बात किया जैसे कि मार्सिलिया मार्सिलिया की मैंने बात की इसी तरीके से यानी आपके पास आ, आप कह सकते हैं मार्सीलिया एजोला की मैंने बात की ठीक है इसी तरीके से मैंने ड्राई टेरिस की बात की ये जो है इन सारे को एक और हम नाम भी देते हैं इन सब को मिला के हम फंस कहते हैं फंस भी कहते हैं एफ ई आर एन एस क्या कहते हैं फंस याद रखना मार्सिलिया हो एजोला हो ड्राइव कर इनको हम फंस भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं फंस ये दिमाग में भी थाना है ठीक है नेक्स्ट हमने आपको बात किया जैसे कि सिलाजिनेला, सिलाजिनेला। एक ये हमने बात किया या एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसके अंदर लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम ये जो है इनको हम एक नाम देते हैं इनको हम क्या कहते हैं बेटा याद रखना मॉस कहते हैं एम ओ डबल एस क्या कहते हैं मॉस तो ये न, जो है दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट टेरिडोफाइटा एंड सम ऑफ़ द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा आज के लिए इतना ही इन नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है वो हम नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट